हेलो गाइज, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम PSSB यानी कि पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो क्लर्क का पेपर हुआ था 19 तारीख को, उसकी कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। पेपर का एनालिसिस भी हम गाइज करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ है। उसके बहुत सारे एस्पिरेंट से हमने बात की है जिन्होंने ये पेपर दिया है, उसके फीडबैक से हमें पता चलेगा कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का पेपर आया था। और इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है इसमें PSSB यानी कि पंजाब सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड सर्विस इसमें क्लर्क के में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि PSSB की जो क्लर्क की कट ऑफ है वो चार फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला है नंबर ऑफ वैकेंसी, पेपर का पैटर्न किस तरीके का था, नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने थे जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, इसके साथ जो लास्ट वाला है प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा था। तो ये सारे फैक्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन वी एक्सपेक्ट कि मैं बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो क्या जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इस बार बहुत ज़्यादा है, बम्पर वैकेंसी है 735 वैकेंसी टोटल, 735 वैकेंसी टोटल है और क्लर्क की है 704। और यहाँ पर क्लर्क जो IT है उसमें 10 वैकेंसी है और क्लर्क अकाउंट में 21 वैकेंसी। इसी प्रकार से टोटल वैकेंसी बनती है 735 बनती है। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है गाइज, कम वैकेंसी नहीं है। जितना पंजाब स्टेट बड़ा है उस हिसाब से हम बात करें तो बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो गाइज एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो 5 सब्जेक्ट में डिवाइडेड था, रीजनिंग, मैथ, पंजाबी लैंग्वेज, इंग्लिश और GS। तो इसमें हम टोटल ओवरऑल बात करेंगे ना, देखो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पेपर इजी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर टफ है, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर मॉडरेट है। देखो हम ये बात करेंगे कि अगर आपने आसानी से इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चनों को कर लिया है, यानी कि अगर आपने इजी 90% की एक्यूरेसी से क्वेश्चन सही किए हैं इसके साथ साथ और मॉडरेट 70% की एक्यूरेसी से सही किए हैं, तो आप 100% इस पेपर में अगली स्टेज के लिए पहुंच जाओगे। आपको पता होगा कि ये जो क्लर्क का पेपर है ये 2 स्टेज का है, इसमें एग्ज़ाम का पोर्स एग्ज़ाम पेपर लिया है आपका और दूसरा है और एक जो आपका इंटरव्यू होगा इसमें। तो इस तरीके से, और जो पेपर का पैटर्न था गाइज वो इस तरीके से था, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे कुछ, फिर इसके साथ साथ प्लस में कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी था। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था आपका पेपर। तो ये गाइज मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव ये एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे नंबर ऑफ एस्पिरेंट की। तो अभी क्लियरली हमारे पास आया नहीं है डाटा, तो जहाँ तक हमें जो एक्सपेक्ट डाटा मिल पा रहा है तो वो डाटा जो हमारे पास है वो है लगभग 55% से लेकर 60% के आसपास का एस्पिरेंट ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, इतनी स्ट्रेंथ थी एग्ज़ाम के अंदर। अब बात हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की करेंगे, पिछली बार जब पेपर हुआ था उसके हिसाब से इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पिछली बार जब पेपर हुआ था तो उस समय सिलेक्शन का प्रोसेस अलग था, और दूसरी चीज़ ये थी कि उस समय इतना टफ कॉम्पिटिशन नहीं था। अब सब लोगों को सरकारी जॉब चाहिए, हालांकि उस समय भी चाहिए होती थी, बट आजकल क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी, बहुत चीज़ों का कॉम्पिटिशन आपको बढ़ा दिया है, आपको बहुत चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो जाती है, आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको करंट अफेयर बहुत जल्दी मिल जाता है, प्रीवियस ईयर कटअप आप 1 सेकंड में देख सकते हैं, पहले तो पता ही नहीं चलता था इन चीज़ों के बारे में। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि उन सब चीज़ों सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि इस बार कटऑफ कितनी जा सकती है 735 पोस्ट पर। तो गाइस देखते हैं इस बार, मैं एक बार और बता, 100 नंबर का पेपर हुआ था और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी और 1 घंटे का पेपर था, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो वो हम इसमें देखेंगे कि जो जनरल कैटेगरी है
आपके 62 से 65 मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग काट के, तो आप सेफ जोन में। ये थोड़ा सा इसमें उल्टा लिख गया है, इसमें 58 से 62 लिखना चाहिए था, थोड़ा सा प्रिंटेड मिस्टेक हो गई, इस बात को ध्यान में रख लेना, 58 से 62। EWS में 55 से 60 है और SC कैटेगरी में 52 से 55 है, ST कैटेगरी में 45 से 48 है। तो गाइज अगर आपका इस रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने ऑब्जेक्टिव पेपर तो दिया ही है ना, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर आप किस तरीके का गया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये आपका आपके लिए मेरी तरफ तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस।